But there had been. Yes. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी अपना दल की ओर से संविधान और राष्ट्र के निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। 26 नवंबर सन 1949 हमारे देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस दिन हमारी संविधान सभा ने हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माने जाने वाले प्रियाम्बल में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में राष्ट्र के स्वरूप की घोषणा की और बाद में 42वें संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द भी जोड़े गए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के मूल्यों के साथ भारत के संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया और इन तमाम बातों के बीच में बाबा साहेब अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम करने का एक बहुत बड़ा सपना देश के समक्ष रखा। आज दो दिनों से इस सदन के अंदर चर्चा चल रही है और मैंने बहुत सारे माननीय सदस्यों के विचारों को सुना, बहुत सारे सवालों को इस सदन के अंदर उठते हुए सुना। बाबा साहेब अम्बेडकर बंगाल से जीत कर आए या बॉम्बे प्रोविंस से जीत कर, बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया, कितनी बार हराया, मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने का श्रेय किस पार्टी को जाना चाहिए, सेक्युलर कौन ज्यादा है और कौन कम है, और यहाँ तक कि हिंदी भाषियों की तुलना कौओं से भी कर दी गई। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों से जुड़ा है, सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़ा है, आरक्षण की उस व्यवस्था से जुड़ा है जिसके बारे में अभी एक माननीय सदस्य शिवसेना के अरविंद सावंत जी कह रहे थे कि हम आज जहां जाओ तो आरक्षण की ही लोग मांग करते हैं, धनगर लोगों के बीच में जाओ तो कहते हैं हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण की उन्हें धनगर की स्पेलिंग नहीं आती। मैं यही तो कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदया कि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं कि कोई विद्वान की तरह बात कर सकता है और कोई निरक्षर है। आरक्षण की मूल भावना को समझने की जरूरत है, ये कोई भीख की व्यवस्था नहीं है, ये संरक्षण की व्यवस्था है जो इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस देश के अंदर जाति के नाम पे शोषण हुआ है और इसलिए ऐसे लोगों को अवसरों से जिन्हें वंचित रखा गया है उन्हें विशेष अवसर देने की जरूरत है। और यही बात बीजू जनता दल के वरिष्ठ सदस्य माननीय भर्तृहरि महताब जी ने भी कही और हमारी सरकार भी वही करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण व्यवस्था पर जिस तरीके से कई वर्षों से कुठाराघात हुआ है, मैं उस संबंध में कुछ आंकड़े भी इस सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया मुझे समय दे दीजिए, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदया। पिछले 25 वर्षों से पिछड़ी जातियों को मंडल कमीशन के माध्यम से 27% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आज भी इस देश के अंदर ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर केवल 14% आरक्षण लागू है, झारखंड में केवल 22% आरक्षण लागू है, पश्चिम बंगाल में केवल 7% आरक्षण लागू है। अध्यक्ष महोदया, आज देश की क्लास 1 की नौकरियों में दलितों की भागीदारी केवल 12% पहुंच पाई है और पिछड़ी जातियों की भागीदारी केवल 5% पहुंच पाई है। यहां तक कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आज पिछड़ी जातियों की और दलित जातियों की भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो पाई है। अध्यक्ष महोदया, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक दलितों और पिछड़ी जातियों की भागीदारी आज केवल 2% पहुंच पाई है। इसलिए और यहां तक कि आज हमारी सरकार के केंद्र स्तर पर ये हार है अध्यक्ष, ये हालात है अध्यक्ष महोदया कि सेक्रेटरी के स्तर पर शेड्यूल कास्ट के 5, शेड्यूल ट्राइब के 3 और पिछड़ी जातियों का केवल 1 IAS अधिकारी है। एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर पर शेड्यूल कास्ट के 3, शेड्यूल ट्राइब के 2 और OBC का 1 भी IAS अधिकारी नहीं है अध्यक्ष महोदया। इसलिए मैं अपनी सरकार से ये मांग करती हूँ, मैं एक छोटे से सहयोगी दल के रूप में ये मांग करती हूँ कि हमारी सरकार आरक्षण की इस व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करे और इस श्वेत पत्र में इस बात पर विचार करना चाहिए कि आरक्षण को एक कानून के रूप में स्वीकार किया जाए और इसका उल्लंघन होने की स्थिति में दंड का प्रावधान हो, क्योंकि आज तक हमारे देश में आरक्षण का उल्लंघन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि दंड का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके साथ ही